सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के जमा होने के कारण ये जो है क्षेत्र बहुत उपयोगी है। ठीक है, उत्तर का जो विशाल मैदान है वो जो है उसकी जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है, चौड़ाई 1500 से 300 किलोमीटर तक मिलती है। अगर हम क्षेत्र वाले मैप समझाऊं तो जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है, सबसे पहले था हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और पर्वतीय क्षेत्र के तट पर जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ट्रांस हिमालय, यहाँ पर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि शिवालिक श्रेणी के बाद का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से जो नदियां निकलती हैं वो जो सदाबहार नदियां हैं वो अपने साथ जो भी कुछ मलबा लाती हैं उस मलबा का साथ साथ निक्षेपण करते रहने के कारण जो उत्तर का विशाल मैदान है जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, पंजाब, ये जो मिलता कहाँ कहाँ पर है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार और पश्चिमी बंगाल, नीचे लिख देंगे यहाँ पश्चिमी बंगाल, इन क्षेत्रों में जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान छाया हुआ है। इसमें सबसे अधिक क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, बिहार और पश्चिम बंगाल का नाम आता है। ठीक है, अभी जो बना कैसे है, ये जो है जो हमारे हिमालय पर्वत से निकली हुई सदाबहार नदियां हैं उनके द्वारा बिछाए गए मलबे से या तलछट से इस मैदान का निर्माण हुआ है। अगर ये मैदान बहुत उपयोगी है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती है, जैसे मैंने लिखा ये लंबाई 3200 किलोमीटर की लंबाई फैला हुआ है, यानी इसका जो शिवालिक श्रेणी है यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है और शिवालिक श्रेणी होते हुए मैंने यहाँ लिखा है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र यानी असम तक इसका विस्तार पाया जाता है, यानी कि पंजाब, शिवालिक श्रेणी कहाँ पाई जाती है, पंजाब हरियाणा में, तो पंजाब से शुरू होता हुआ यह असम तक फैला हुआ क्षेत्र है और इसकी चौड़ाई में विभिन्नताएं पाई जाती है। उसका कारण क्या है कि जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ इसकी चौड़ाई कम रहती है, जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर इसकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है। उस क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक चौड़ा भाग कहाँ बैठेगा, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ जो है मैदानी क्षेत्र में आती हैं, लेकिन उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण पर्वतीय क्षेत्र के गिरिपाद यानी कि किनार पर्वतीय क्षेत्र की किनारों से ही शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये पर्वतीय क्षेत्र जो है सबसे अधिक चौड़ा कहाँ है, सबसे अधिक सकरा कहाँ है, तो सबसे अधिक चौड़ाई बता दें उत्तर प्रदेश में है और सबसे सकरा कहाँ पाया जाता है, असम में। ये सबसे सकरा है यहाँ पर असम में, इसकी चौड़ाई बहुत कम रह जाती है, इस कारण से इस क्षेत्र का महत्व, अब इसका क्षेत्र जो है विभिन्नताएं इतनी अधिक भरी हुई है कि इस विशाल मैदान में क्षेत्र वाइज भी विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे मैंने कहा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल में मैदान के साथ शंकु भी पाए जाते हैं, वो मैं भी अगले अभी थोड़ा समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है इसका, उत्तर प्रदेश में। तलछट के जमाव की अगर बात करें तो इसकी जो गहराई है यानी इसमें जो नदियों द्वारा लाया गया तलछट है वो लगभग 1000 से 2000 मीटर की गहराई तक मिलता है। इसकी गहराई बहुत अधिक है, कितनी है, 1000 से 2000 मीटर तक की गहराई है और मिट्टी कौन सी पाई जाती है, दोमट मछाली। ठीक है, अब यहाँ पर विशेषताओं में देखें तो इस मैदानी क्षेत्र को भी बहुत भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला
नदी के कार्य। तो नदी का जो कार्य है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर आकर खत्म होता है। तो ये जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर नदियों द्वारा जो भी कुछ क्रियाएं होती हैं उन सब के बारे में आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले भावक क्षेत्र की। भावक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये भावक क्षेत्र मैंने जैसे कहा कि ये साइड में बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, शिवालिक की श्रेणियों के पास। जो हमारी शिवालिक श्रेणियां हैं इनके तटों से शुरू होता है, और अगर हम नदियों की बात करें तो सतलज नदी से तिस्ता नदी तक इसका विस्तार माना जाता है। और ये क्षेत्र कैसे क्षेत्र है? ये क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां पर नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ वो जो पर्वतीय क्षेत्रों के कंकड़ पत्थर है उनको भी अपने साथ लेकर चलती हैं। तो ये क्षेत्र कैसा है? ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र माना जाता है, कंकड़ पत्थरों से युक्त क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ की मैं दूसरा आता है हमारा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र कौन सा है? इससे आगे का क्षेत्र क्या कहलाएगा? हमारा तराई क्षेत्र। ठीक है, भावर क्षेत्र के बाद में अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो देखो अब समझना, यहाँ पे क्या है? भावर क्षेत्र यानी ये क्षेत्र वो है जहाँ पर कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं और नदियां जो है कंकड़ पत्थरों के साथ बहती हुई नजर आती है। ये अगर उपयोग वाली बात करें तो ज्यादा उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जमीन है वो कैसी रहती है? ऊबड़ खाबड़ सी रहती है। दूसरा बात करें हम तराई क्षेत्र की, तो तराई क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सैर कण है, ठीक है, मैं यहाँ लिखने लगी तो समझने में आसान है, भावर तराई। ठीक है, तराई क्षेत्र क्या है? यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पर जो है कंकड़ पत्थर महीन हो जाते हैं, यानी महीन कण हो जाते हैं, और महीन कण होने के कारण यहाँ पर नदियां कंकड़ पत्थरों के नीचे विलुप्त होने लगते हैं। यानी वे जो है भावर के दक्षिण में मिलता है, और यहाँ पर जैसे भावर में जो है कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं जिस कारण से नदियां इसके नीचे बहती हुई नजर आती हैं, जबकि यहाँ पर महीन कण होने के कारण यहाँ पर दलदल बने रहते हैं, यहाँ पर दलदल बने रहते हैं। उत्तराखंड का कार्वेट नेशनल पार्क यहीं पर है, सबसे पुराना कार्वेट नेशनल पार्क वो यहीं पर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीव जंतुओं की विविधताएं भी पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर कार्वेट नेशनल पार्क भी है। ये मिट्टी भी अधिक उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दलदल बने हुए हैं, कृषि कार्य कुछ हद तक किया जाता है लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों पर, मैदानी क्षेत्रों पर सिर्फ वहां किया जाता है जो थोड़े दलदल में कम रहते हैं। तो ये तराई यानी भावर के दक्षिण में कौन सा हो गया? तराई। तराई के बाद में आता है हमारा बागर। बागर का मतलब है पुरानी जलोड़क, ये ध्यान रखना, पुरानी जलोड़क। पुरानी जलोड़क मतलब है कि ये वो क्षेत्र है जहां पर पहले कभी नदियां तलछट को जमा करती थी, लेकिन वर्तमान समय में यहां पर जो नदियों द्वारा नवीनतम जलोड़क नहीं पहुंचाई जाती तो ये वो क्षेत्र है जहां पर उनको कहते हैं बागर। ठीक है, उपजाऊ है लेकिन इनमें कुछ पोषक तत्वों की और जल की कमी रहती है, और अगर वो इन्हें मिल जाता है तो वो ये मिट्टी को भी प्रयोग में कर सकते हैं। ठीक है, बागर के में बाद में आता है खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र को बोलते हैं नवीन जलोड़क। ये वो क्षेत्र है जहां पर वर्तमान समय में भी नदियां प्रवाहित होती हैं, और ये जो है नवीन जलोड़क है, नदियां वर्तमान समय में भी प्रवाहित हो रही हैं। अभी मैंने
के साथ के दक्षिण का पूरा क्षेत्र खादर में आता है। और ये सबसे नवीन जलोढ़क है, ये प्राचीन जलोढ़क है, खादर कौन सा है? नवीन जलोढ़क। तो नवीन जलोढ़क होने में बहुत उपजाऊ है। और ये मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं? ये जो है पंजाब के मैदानों में और उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, अब ये पंजाब के मैदान में इसको खादर प्रदेश को क्या बोलते हैं? बैट। पंजाब में इसको बोलते हैं बैट और उत्तर प्रदेश में बोलते हैं इसको खादर। खादर को मैं नाम दे रही हूँ। पंजाब में बोलते हैं इसको बैट और उत्तर प्रदेश में इसको खादर। ठीक है, खादर के बाद में आता है शंकु तथा अंतर शंकु क्षेत्र। अगर हम शंकु और अंतर शंकु क्षेत्रों की बात करें तो ये नदियों की सबसे जहां पर नदियां अपना यहां तक तो ये कि जमाव शुरू कर देती है, लेकिन वहां जमाव की मात्रा बढ़ जाती है तो शंकुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। यानी यहां पर नदियों के मैदानों का ढाल कम होने के कारण, अगर मैं नदियों के कार्य अगर याद हूँ तो समझने में बहुत आसानी रहेगी, नहीं मैं उसे समझाऊंगी तो बहुत समय लगेगा। तो नदियों के कार्य मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी देख सकते हो। तो नदियों में जो कार्य होते हैं उसमें जब मैदानी क्षेत्र में आते हैं तो वो तलछट को ढाल कम अगर नदियों का होता है तो तलछट को जमा करती हुई निकलती है, जिस कारण से शंकु और अंतर शंकुओं का निर्माण होता है। अगर हम शंकुओं की बात करें तो हमारी उत्तर भारत की नदियों में एक घाघरा नदी ऐसी है जो शंकु नहीं बनाती। जो घाघरा नदी है वो शंकुओं का निर्माण नहीं करती, और नहीं तो अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है, सत्तर व्यास, रावी, तिस्ता, जितनी भी नदियां निकलती है वे सभी नदियां शंकुओं का निर्माण करते हुए निकलती हैं। ठीक है, शंकुओं के बाद में आता है हमारा डेल्टा। डेल्टा की अगर बात करें तो गंगा सिंधु नदी का जो डेल्टा है वो दो सबसे महत्वपूर्ण डेल्टा है। ये जो है राजमहल की पहाड़ियों से, ठीक है, मैं भी इतना समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे आ गया हमारा भावड़ क्षेत्र, यहाँ पे हो गया हमारा बनी, ये भावड़ क्षेत्र है, भावड़ क्षेत्र की नदियां इधर निकल रही हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? खादर क्षेत्र यहाँ पर भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के बाद में यहाँ क्षेत्र हो गया ये भावड़ क्षेत्र, और बागड़ क्षेत्र के बाद में ये पूरा क्षेत्र हो गया हमारा खादर क्षेत्र। और खादर के बाद में यहाँ पर जब राजमहल की पहाड़ी यहाँ पाई जाती है, सुंदरबन का डेल्टा ये पूरा क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों पर शंकुओं का निर्माण करती हैं और यहाँ पर डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो जो डेल्टा है राजमहल की पहाड़ी और सुंदरबन के डेल्टा जो कहलाता है, या नदियों द्वारा लाए गए तलछट के दिमाग से डेल्टाओं का निर्माण हुआ है। इसीलिए सुंदरबन का डेल्टा जो सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है वो यहीं पर है। और सुंदरबन के डेल्टा जो सबसे बड़ा डेल्टा है ये लगभग सिंधु नदी डेल्टा जो है वो इसके बाद आता है। सिंधु नदी का डेल्टा जो है 960 किलोमीटर लंबा है, वो दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हम प्रादेशिक रूप में बात करें तो जैसे हमने प्रादेशिक हिमालय में पढ़ा था, हिमालय के प्रदेश में, तो उसमें पहला आता है हमारा सिंधु का मैदान। तो सिंधु नदी कहाँ बहती है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो सिंधु नदी का मैदान जो क्षेत्र है यह बागर से निर्मित है। देखो ये ध्यान रखना, वैसे तो क्रम में हम देखें तो भावर, तराई, बागर, खादर का नियम चलता है, लेकिन नदियों का प्रवाह कैसा है इसके आधार पर वो क्षेत्र डिसाइड होता है। तो हमने ऐसे कहा कि अब देखो यहां से सिंधु नदी बह रही है, तो सिंधु नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से यहाँ पर सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी पैदा होती है, तो बागड़ क्षेत्र सिंधु नदी का यहाँ पे होगा, यहाँ तो सिंधु का मैदान जहाँ पर सिंधु नदी बहती है, इसमें भारत अपने पंजाब क्षेत्र आता है और पाकिस्तान का क्षेत्र आता है, वो जो है क्षेत्र जो पूरी तरह से जलोढ़क से निर्मित है, तो इसका जो पूर्वी भाग है वो डेल्टा ही है और ये पूरा क्षेत्र सिंधु का मैदान कहलाता है। ठीक है, दूसरा आता है पंजाब एवं हरियाणा का मैदान। अब मैंने इतना सिंधु का मैदान
पंजाब और हरियाणा का मैदान, ये भी बहुत उपजाऊ मैदान में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में तो सतलज, राजना, झेलम, ये जो नदियां हैं, पांच नदियां, उन नदियों द्वारा लाया गया तलछट का जमा होता है, जिस कारण से ये नदियां बहुत उपयोगी मैदान का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहाँ से वो पाकिस्तान चली जाती हैं, तो पंजाब हरियाणा में ये एक मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर इनका निर्माण होता है। इन मैदानी क्षेत्रों में कुछ दोआब बनते हैं, जिसमें पहला आता है हमारा, इसे साफ कर देती हूँ मैं, दोआब इसे कहते हैं, जहाँ पर दो नदियों द्वारा लाए गए तलछट को जमा किया जाता है, उसे बोलते हैं दोआब, जिसमें पहला आता है हमारा बिस्त जालंधर दोआब, बिस्त जालंधर दोआब। ठीक है, ये जो मिलता है ये ब्यास और सतलज नदी के द्वारा बनाया जाता है, ब्यास और सतलज नदी से। ठीक है, दूसरा हमारा जो आता है वो होता है बारी, बारी बारी जो बनता है वो बनता है रावी और चिनार से, रावी और चिनार नदियों से जो बनता है वो बारी दोआब, पूरा नहीं लिखूं क्योंकि बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तीसरा जो आता है हमारा वो आता है रजना, सॉरी यहां पे आएगा व्यास और रावी, व्यास और रावी। ठीक है, और जो रचना दोआब बनता है वो बनता है रावी और चिनाब के द्वारा, रावी और चिनाब। ठीक है, चौथा हमारा जो आता है रचना दोआब के बाद वो आता है चार्ज, चार्ज बनता है चिनाब और झेलम से बनता है। और पांचवा जो आता है वो हमारा होता है सिंध, वो झेलम और सिंधु से बनता है, ये सिंधु दोआब बनता है सिंधु और झेलम से। तो ये प्रमुख दोआब है, ये नेट में भी बहुत आता रहता है, नेट के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, मिलाने को आते रहते हैं, थॉट में आते हैं, कॉन्सेप्ट से। वैसे तो एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट होती रहती है, तो उसके बारे में देखना पड़ता है। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा गंगा का मैदान। गंगा का मैदान जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, अब गंगा का मैदान कहाँ पर रहेगा, उत्तर प्रदेश। देखो याद हो गया, पहले सिंधु का मैदान है, सिंधु के मैदान के बाद में हमारा दूसरा है पंजाब हरियाणा का मैदान, और तीसरा है हमारा गंगा का मैदान। ठीक है, सिंधु नदी के आगे सिंधु का मैदान है, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में जो है, जो सिंधु सतलज की सहायक नदियों द्वारा बना हुआ है, वो कहलाता है हमारा जो है पंजाब हरियाणा का मैदान, और गंगा और यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान को बोलते हैं गंगा का मैदान, क्योंकि यमुना गंगा की सहायक नदी है, तो उसके द्वारा जो निर्मित होता है वो सारा मैदान इसमें आता है। इसमें गोमती, इसकी गंगा की सहायक नदी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी नदियां, यमुना की चंबल, बेतवा, केन, सोन, सब नदियां का क्षेत्र जो इसके अंतर्गत आता है। सहायक नदियों में प्रवाह में पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी। तो दोनों ही नदियों द्वारा लाए गए तलछट के जमाव से इस क्षेत्र का निर्माण होता है। अगला आता है हमारा, ये सबसे अधिक गहराई तक जलोढ़क मिलते हैं इस क्षेत्र में, और सबसे अधिक जो है इस जो इसका प्रयोग होता है। तो अगला आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, जो कहाँ मिलता है, असम क्षेत्र में मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर इस मैदान का जो क्षेत्र है वो जो है जो असम में धुबरी और जो है सदिया क्षेत्र है वहां पर 640 किलोमीटर तक है, और जो है इसकी लंबाई 90 से 100 किलोमीटर तक ही रह जाती है। सबसे छोटा मैदान कहलाता है ये वाला ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये है हमारे इस